Sudha Sharma, teacher, Government High School, Shanu. I am going to deliver social securities lecture for class 6. Dear students, you know that we are reading in our past third book of social security, and we are reading chapter number 2 of this book, from hunting, gathering, growing food. हंटिंग से किस तरह से इस कदीम इंसान ने पहले वाले अगली महीने ने किस तरह सीखा गैदरिंग करना और ग्रोइंग फूड करना. द अर्लीस्ट पीपल वाई थे ऑन मूव, क्यों इस हरकत पे थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे, अपनी जगह चेंज क्यों कर रहे थे. दे आर ऑन मूव, ये पहले ही हमने क्लास में पढ़ा है कि इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, ये खुराक और पानी की तलाश में, और अपने आप को उस जगह पे ले जाते थे जहाँ उनको ये लगता था कि ये जगह हमें यहाँ पे अपने तहफ़ुज़ महसूस करते थे, जहाँ पे उनको लगता था कि हम महफूज हैं यहाँ पे. हाउ डू वी नो, तो पहले ही कल हमने पढ़ा है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हमें कुछ चीज़ें खोद कर दी है, उन्होंने स्टडी उस पर की है, कुछ जो पत्थरों से बनी हुई होती थी या लकड़ी से बनी हुई होती थी या हड्डियों से बनी हुई होती थी, और उन चीज़ों से हमें ये पता चला कि ये किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी ज़िंदगी, उनका रहन सहन, उनकी ज़िंदगी किस तरह चली किस तरह बीत चुकी थी, उनकी ज़िंदगी किस तरह होती थी, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी ज़िंदगी में. और आज हमने पढ़ना है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, किन जगहों पे ये रहना पसंद करते थे. अगर आप अपनी किताब पे इस और पास्ट पेज नंबर 13 पे देखेंगे, एक मैप बना हुआ है, उस मैप को आप देखिए, मैप नंबर 2, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, जो सुर्खी पे धागे गए हैं, जो जगह हमें सुर्खी पे दिखाई गई हैं, ये जगह यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दिखाई हैं कि ये हंटर और गैदरर्स के रहने की जगह हैं. लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, ये उन जगहों पे रहते थे. अगर हम इस तरह देखेंगे, यहाँ पे ये मुंबई में रहते थे क्योंकि यहाँ पे इन्हें पानी मयसर थी, इस तरह से पानी दस्तियाब था यहाँ पे, यही वजह है ये मुंबई में रहती थी. या यहाँ पर देखेंगे कलकत्ता में यहाँ पे भी ये बंगाल वहां पे था इनको, तो पानी मयसर था इसलिए यहाँ पे ये रहते थे. या हंसगी या और करनोल केवस इन पे भी ये रहते थे क्योंकि पानी की वजह से इनको वहां पे पानी दस्तियाब था, तो इसलिए ये जहाँ पे इन्हें आसानी हो जाती थी, ये पानी आसानी से इन्हें हासिल हो जाता था, तो ये उन जगहों पे ज्यादातर बैठती थी. ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दिखाई है, वहां पे कुछ केव्स उन्होंने ढूंढे हैं इनकी, वो उन जगहों में वो हड्डियों के ढांचे या जो वो सामान, जो वो औजार या हथियार इस्तेमाल करते थे अपने रोजमर्रा जिंदगी में, वो औजार और हथियार, उनके वो ढांचे उन्होंने हासिल किए और उस पे ये स्टडी की, ऑब्जर्वेशन की, बाद में ये बताया कि इन जगहों पे रहती थी. एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वायर गुड क्वालिटी स्टोन, वायर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजिली अवेलेबल, ये अपने रोजमर्रा जिंदगी में उन चीजों का इस्तेमाल करते थे जो चीजें पत्थरों से बनी हुई होती थी. अगर उनको जंगली जानवरों का शिकार करना होता था तो ये पत्थर से उसका शिकार करते थे, और ये उस जगह को मुंतखब करते थे, उस जगह पे रहते थे जहाँ अच्छी किस्म के पत्थर मयसर होते थे, तेज धार वाले पत्थर मयसर होते थे. इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बता दिया है कि ये उन जगहों पे ज्यादा रहना पसंद करते थे जहाँ एक पानी की वाफिर मिकदार, पानी की बहुतात होती थी, नंबर 2 जहाँ पे अच्छे किस्म के पत्थर होते थे उन जगहों पे रहते थे. और रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी चीजें देखी है कि जहां जहां ये जमीन के अंदर, जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पत्थरों पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, और उस पेंटिंग्स से उनको पता चला, उनसे उन्होंने ये मालूमात हासिल की कि ये शायद कदीम इंसान ने बनाए ये पत्थर, उस पे जंगली जानवरों के अशकाल वो बने हुए होते थे, या उस
उन अपने औजार जो औजार वो अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते थे उनके अशकाल उस पे शक्लें उस पे बनी हुई होती थी। इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये हमें बता दिया कि ये जो पत्थर है ये इन जगहों जहां या कभी पानी के नजदीक होते थे, कभी उस जगह पे ये पत्थर मयसर होते थे जहां अच्छे किस्म के पत्थर मौजूद होते थे, इन जगहों से उन्होंने ये शक्लें दरियाफ्त की। मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सम ऑफ बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। इस तरह से हमने आज ये देखा कि ये इन इस अर्ली मैंने कौन कौन सी जगह मुंतखिब की रहने के लिए अपने उस जमाने में। इंशाल्लाह कल इससे आगे हम बढ़ेंगे, आज इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।